आज हम विजय ज्वाली जी के साथ हैं लवकुश रामलीला के मैदान में, और आइडियली दिस इज़ अ ग्रीन रूम आई वुड से फॉर हिम, बिकॉज ये इंद्रदेव का रोल करने जा रहे हैं, और इनसे हम लोग जानना चाहेंगे कि हाउ इज़ द फीलिंग सर। देखिए, मैं सबसे पहले तो अपने परम मित्र और लवकुश रामलीला कमेटी के जो अध्यक्ष हैं अशोक अग्रवाल जी का और उनकी पूरी टीम का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ, उनका धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने एक ना केवल दिल्ली की अपितु पूरे देश की एक ऐतिहासिक रामलीला लवकुश रामलीला कमेटी के इस मंचन के अंदर मुझे एक महाराज इंद्रदेव की भूमिका निभाने का सुअवसर दिया है, और मुझे लगता है कि मैं किस प्रकार से इस भूमिका के साथ न्याय कर पाऊँगा और भारतीय संस्कृति के इस महान पर्व के मंचन के ऊपर खरा उतर पाऊँगा, ये मैं अपने आप को धन्य समझता हूँ। और मुझे लगता है भारत की संस्कृति को आज के युग के अंदर नई पीढ़ी को इस भारत के कल्चर के साथ ना केवल भारत के अंदर अपितु दुनिया के अनेक देशों में जो भारतीय लोग के मूल बसे हुए हैं और जिनका प्रतिनिधित्व भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी अपनी प्रखर वाणी से उनको भारत से जोड़ने का यत्न करते रहते हैं, उस यत्न के अंदर लवकुश रामलीला कमेटी और उसके अथक प्रयास भी बहुत बड़ी भूमिका का निर्वाह करते हुए दिखाई दे रहे हैं। सर, आप यू बीन अ जेपी स्पोक्सपर्सन फॉर मेनी इयर्स, और आपने अभी प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी का नाम लिया जो कि अभी यूएस विजिट से भारत आ रहे हैं, और आज भारत की सारी जनता उनके स्वागत के लिए वहाँ एयरपोर्ट पालम एरिया में इस टाइम है विराजमान। वी वुड लाइक टू से सर, इन्होंने लाल किले पे बोला था से नो टू प्लास्टिक्स, सो रामलीला के पंडाल में अभी इस टाइम सारा जो चल रहा है कि वी शुड नॉट यूज़ प्लास्टिक्स एंड हाउ डू यू वांट टू से फॉर द सिटी ऑफ दिल्ली फॉर से नो टू प्लास्टिक्स, उसके बारे में सर। यू सी द इनिशिएटिव्स ऑफ द प्राइम मिनिस्टर मिस्टर नरेंद्र मोदी एंड हिज गवर्नमेंट एट द सेंटर एज फार एज एनवायरमेंट इज कंसर्न्ड, एज फार एज द प्रोटेक्शन ऑफ अ क्लीन दिल्ली and a green daily campaign is concerned, the Prime Minister of India and his whole cabinet colleagues who have taken over the one slogan, no to the first use of plastics. Plastics ke उपयोग के ऊपर जिस प्रकार से उन्होंने प्रतिबंध की बात की है, हमें लगता है कि प्लास्टिक के उपयोग के ऊपर जिस प्रकार के प्रतिबंध से ना केवल आम जनता के जनजीवन के ऊपर अपितु जन जन के जनजीवन के ऊपर बहुत गहरा असर पड़ने वाला है, और जो भारत की कटिबद्धता ग्लोबल फोरम्स पे, वर्ल्ड फोरम्स पे, एशिया के फोरम्स पे भारत की जनता के जनजीवन की रक्षा करने के लिए है, हमें लगता है भारत के प्रधानमंत्री और भारत के मोदी जी की सरकार के जो मंत्रियों ने जो प्रण लिया है उस प्रण को पूरा करने में दिल्ली की जनता भी, देश की जनता भी, देश के मंत्री भी, देश के सांसद भी एकजुट होकर नो फर्स्ट यूज़ ऑफ प्लास्टिक्स के इस अभियान में अपनी प्रभावी भूमिका का निर्वाह अवश्य करेंगे। देखिए, मैं दिल्ली और देश की अनेक रामलीलाओं में गया हूँ, लेकिन जितना कुछ मैंने सुन रखा है उनमें अगर मैं उत्तम कहूँ, अगर मैं सर्वोत्तम कहूँ और अगर मैं सर्वश्रेष्ठ कहूँ, और मैं भारत के लेवल पे कहूँ या वर्ल्ड फेमस कहूँ, तो मेरे मित्र अशोक अग्रवाल जी की लवकुश रामलीला को मैं अति उत्तम और सर्वोत्तम से भी अति श्रेष्ठ कहूँ तो वो कोई अतिशोक्ति नहीं होगा। एक चीज़ मेरे मन में सवाल उठ रहा है कि राम जो थे, श्री राम, उनकी जो संतान है वो है लवकुश, और लवकुश के शायद काफ़ी जगह मेरे ख्याल से आउट ऑफ इंडिया भी मंदिर वगैरह सुनने में आते हैं सर की बने हुए हैं, तो आपने कुछ विजिट भी किया होगा, आप यू हैव ट्रैवल्ड अक्रॉस द वर्ल्ड एंड विच आर द कंट्रीज वे राम इज वर्शिप, इफ यू वांट टू से समथिंग अबाउट। देखिए, मैं दुनिया के 87 देशों का दौरा कर चुका हूँ, भारतीय जनता पार्टी के
प्रवासी और विदेश विभाग के प्रमुख के नाते भी, एक भारतीय व्यवसायी के नाते भी, एक एक्सप्लोरर के नाते भी, और दुनिया भर के अंदर भारतीयों के साथ दोस्ती का हाथ बढ़ाने वाले भारतीय जनता पार्टी के एक स्वयंसेवक के नाते भी, चाहे वो श्रीलंका हो, चाहे वो कीनिया हो, चाहे वो मॉरिशस हो, और चाहे दक्षिण महासागर के अंदर फिजी जैसा देश भी हो, रामायण का मंचन, रामायण की छोटी बड़ी मंडलियाँ बड़े बड़े शहरों में भी, गाँव में भी, कस्बों में भी करती हैं, गाकर करती हैं, और राम के दिए हुए प्रवचनों को, श्लोकों को और उनके दिखाए हुए आदर्शों पर भी हजारों वर्ष बीत जाने के बाद भी उनका अनुसरण करती हैं। मैं तो नतमस्तक हो जाता हूँ, भाव विभोर हो जाता हूँ रामायण के उन मंचन और उन प्रक्रियाओं से मिलकर, सुनकर और उनके दर्शन करकर। राइट सर, शुक्रिया, धन्यवाद सर, धन्यवाद। और आज हम लोग ये पंडाल में, आशा करते हैं कि ये सुरक्षा के नियम और जो पटाखों को लेके भी है, से ग्रीन क्रैकर्स, वो सब इस बार फॉलो होगा। धन्यवाद। धन्यवाद।